नमस्कार दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यूनिवर्सिटी कोई भी, जैसे MGKV, JNCU, मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उनका BA फर्स्ट ईयर, MA, DLED, BLED, जितनी भी एग्ज़ाम है उन सबका रिज़ल्ट आप कैसे देख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, वीडियो को पूरी पूरी बने रहिएगा, पूरी लास्ट तक देखिएगा। तो चल सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में यहाँ पर टाइप सर्च करना होगा, क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च करना होगा कोई भी यूनिवर्सिटी का नाम जो भी आप जानते हैं, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर सर्च कर लीजिए, जैसे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, या इस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे लोग हैं, ठीक। तो यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ लिख दीजिए, उसके बाद आपको तुरंत तुरंत पता चल जाएगा बखूबी बहुत अच्छी के साथ। महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी लिखनी है तो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएगा सर्च लिस्ट में, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद ऐसे महात्मा गांधी का क्या कहता है साइट ओपन हो जाएगा, देखिए MGU महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी, ऐसे ही जैसे MGKVP आ गया यहाँ पर, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का यानी बनारस का जो है, इसका जितने भी यूनिवर्सिटी है उन सबका रिजल्ट बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, बस आप यहाँ पर जाइए, यहाँ पर सब कुछ ऊपर दिया रहता है, होम, द यूनिवर्सिटी, एडमिशन और स्टूडेंट। स्टूडेंट में आप जाएंगे, यहाँ से क्लिक कीजिए, यहाँ से सब कुछ बताएगा। इसमें बोला है टाइम टेबल, एग्जामिनेशन रिजल्ट, सिलेबस, अब इतने ही में ही आपका सब कुछ मिल गया। जैसे आपको रिजल्ट चेक करना है तो रिजल्ट पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का क्या है, ये सिलेबस है, सॉरी थोड़ी लग रहा है कि हम गलत जगह पर क्लिक कर दिए, हाँ रिजल्ट पर आप क्लिक किए हैं, ठीक। एक मिनट लगेगा, प्लीज सम टाइम। देखिए हम रिजल्ट पर क्लिक किए हैं, अब यहाँ पर आपको सब कुछ का, देखिए एनुअल रिजल्ट, सेमेस्टर रिजल्ट, अगर सेमेस्टर रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर BA और ऐसे करके जो भी चीज़ आप सेलेक्ट कीजिए, कोर्सों के नाम, आप कौन से कोर्स हैं, BEd, BSc, BBA, BSc, BPED, जितने भी हैं, LLB, MA, जो भी हैं इन सब के आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और सेलेक्ट करके MSc सेलेक्ट करके कोई भी आप, और यहाँ पर अपना ईयर रखिए, एनुअल लिखिए, कॉलेज लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर शो पर कर देंगे तो, और डेट ऑफ बर्थ आप रोल नंबर लिखेंगे तो तुरंत आपका रिजल्ट शो कर देगा। चलिए ठीक, मैंने आपको अभी सेमेस्टर को बताया, उसके बाद एनुअल को बता रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज यार, हम लगभग 100 लाइक तो मांगते ही हैं, इतनी मेहनत से आपको बताते हैं। यहाँ से आप जैसे BA थर्ड ईयर का जो भी लड़का है या जो भी क्वालिफिकेशन वाले हैं उनको आपको यहाँ पर अपने टाइप ऑफ कोर्स में आपको सेलेक्ट करना होगा UG एनुअल सेमेस्टर, ओके। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिक सर्च ले लेगा, उसके बाद यहाँ से आप सर्च करेंगे आपके क्या है, BA है, BCOM है, BCOM थर्ड ईयर है, या BA होंस मास थर्ड ईयर, यानी आपका थर्ड ईयर पूरा फाइनल ईयर है। उसके बाद आपका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सबमिट करेंगे तो आपका एनुअल रिजल्ट निकल जाएगा। चलिए ठीक, मैंने तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी का बताया, ऐसे ही करके मैं अभी 2-4 यूनिवर्सिटियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो देखिए एक है जननायक, ठीक ना, JNC, देखिए जननायक, एक मिनट, अभी आया था जननायक का जे, देखिए आ गया ना, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, यह एक बलिया का यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैंने अभी अभी सर्च किया तो उसमें दिखाई दिया ये जननायक का। और इसकी यूनिवर्सिटी को इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, नथिंग, बहुत आसानी बात है, बहुत आसानी के साथ यहाँ पर सब कुछ एकदम नीचे फिलअप करके दिए हैं। इसमें देखिए रिजल्ट सेमियर लिखा है ना, रिजल्ट सेमियर, और यहाँ से आप यहाँ से एनुअल और फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, यहाँ से आप थर्ड ईयर के हैं तो वहाँ पर क्लिक करके आप रिजल्ट देख सकते हैं, BA थर्ड ईयर के, यहाँ पर BCOM फर्स्ट ईयर के अभी तक रिजल्ट उपलब्ध हुए हैं इस यूनिवर्सिटी में। ऐसे करके जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं ऐसे ही करके सर्च किया जाता है गूगल के टेक्स्ट बार पर और इस तरह करके। हाँ तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाल बटन को नीला काला कर दीजिए और इस घंटी को भी इस तरह क्लिक कर दीजिए, ठीक। यहाँ पर नीले कलर काले कलर के लाइक बटन को नीला कर दीजिए यहाँ पर, और ऐसे करके शेयर करके ऑप्शन में आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आप जहाँ चाहें वहाँ पर, और वो भी बहुत आसानी के साथ, ठीक। मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी मुझे पता है,
और तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी आप अगर आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं ऐसी ही वीडियो आपको देता रहूँगा, प्रोवाइड करता रहूँगा हमेशा। धन्यवाद।